वापस कराते जाए। नाइट क्लास ऑफ द 26 दिसंबर 1967। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत क्लियर है। द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण इज वेरी क्लियर। कैसे? हाउ? और चित्र इतने क्लियर नहीं है जितना लक्ष्मी नारायण का चित्र है। अदर पिक्चर्स aren't as clear as the picture of लक्ष्मी नारायण। इसमें क्या खासियत है? What is special in it? इसमें स्पष्ट रचयिता और रचना की पहचान है। There is a clear identification of the creator and the creation in it. लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन है रचयिता? Who is the creator in the picture of लक्ष्मी नारायण? जो प्रकाश की लाइट के बीच में अर्थात संगमुगी ज्ञान प्रकाश के बीच में लक्ष्मी नारायण दिखाई गयी। इन द मिड्स ऑफ लाइट मीनिंग इन द मिड्स ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज लक्ष्मी नारायण हैव बीन शोन। जो कि नारायण का अर्थ है असली। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ नारायण। नार माना जल, ज्ञान जल। नार मीन्स वाटर, द वाटर ऑफ नॉलेज। उसे ज्ञान जल कहो, ज्ञान प्रकाश कहो, बात एक ही है। कॉल इट द वॉटर ऑफ नॉलेज और कॉल इट द लाइट ऑफ नॉलेज, इट मीन्स द सेम। उस ज्ञान प्रकाश की दुनिया के बीच में रहने वाले लक्ष्मी नारायण एड़ी से चोटी तक ज्ञान के रंग में रंगे हुए हैं। The Lakshmi Narayan who live in the midst of that world of the light of knowledge are colored in the color of knowledge from head to toe. वो है रचयिता नई दुनिया की और उनके नीचे दिखाई गई है उनकी रचना। They are the creators of the new world and below them their creation is shown. विश्व महाराज कुमार श्री नारायण की रचना, श्री कृष्ण और श्री राधे। द क्रिएशन ऑफ श्री नारायण इज द वर्ल्ड प्रिंस श्री कृष्णा एंड द वर्ल्ड प्रिंसेस श्री राधे। स्पष्ट दिखाया गया है। इट हैज बीन शोन क्लियरली कि जो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण है वो अपना वाइब्रेशन खुद बनाते हैं। द कॉन्फ्लुएंस एज लक्ष्मी नारायण themselves क्रिएट their vibrations. तेज से पैदा हुए हैं। दे आर बॉर्न फ्रॉम एनर्जी अर्थात याद से उनकी प्रत्यक्षता हुई है और याद की स्टेज वो निराकारी स्टेज उनको प्रत्यक्ष करती है। मीनिंग देयर रेवलेशन हैज टेकन प्लेस थ्रू रिमेम्बरेंस एंड द स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस दैट इनकॉर्पोरियल स्टेज रिवील्स देम। निराकारी स्टेज में होते हुए भी साकार शरीर से निर्मल वायुमंडल वाले दिखाए गए हैं। In spite of being in an incorporeal stage, they have been shown in a pure atmosphere through the physical body. देह का भान का जैसे नाम निशान नहीं। It is as if there is no trace of body consciousness. सतयुग की जो रचना होगी फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण वो फर्स्ट क्लास रचना है। द फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधा एंड कृष्णा हु विल बी द क्रिएशन ऑफ द गोल्डन एज आर द फर्स्ट क्लास क्रिएशन। क्योंकि वाइब्रेशन से उनकी पैदाइश होती है। बिकॉज दे आर बॉर्न थ्रू वाइब्रेशंस। ऐसा वाइब्रेशन बनता है लक्ष्मी नारायण की याद का कि वो वाइब्रेशन राधा कृष्ण को जन्म देता है। द रिमेम्बरेंस प्रैक्टिस्ड बाय लक्ष्मी नारायण क्रिएट सच वाइब्रेशंस दैट दोज वाइब्रेशंस गिव बर्थ टू राधा एंड कृष्णा।
वाइब्रेशन अर्थात देह भान का नाम नहीं। वाइब्रेशंस मीन्स दैट देयर इज नो नेम, दैट इज ट्रेस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। राधा कृष्ण से जो रचना होगी वो दृष्टि की औलाद होगी। द क्रिएशन दैट विल बी बॉर्न थ्रू राधा एंड कृष्णा विल बी द क्रिएशन ऑफ विजन। दृष्टि के आकर्षण से पैदा होगी। दे विल बी बॉर्न थ्रू द अट्रैक्शन ऑफ विजन। जो चित्र में दिखाया गया है विच हैज बीन शोन इन द पिक्चर कि राधा कृष्ण एक दूसरे को फिर भी देख रहे हैं स्नेह की दृष्टि से। राधा एंड कृष्णा आर स्टिल लुकिंग एट ईच अदर विद अ विजन ऑफ लव। और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को दृष्टि मात्र से भी नहीं देख रहे। एंड लक्ष्मी नारायण aren't looking at each other even through their vision। सिर्फ वाइब्रेशन मात्र एक दूसरे का एक दूसरे में स्नेह युक्त होता है। जस्ट देयर वाइब्रेशंस आर लविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसलिए बोला कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत क्लियर है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड दैट दिस पिक्चर ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण इज वेरी क्लियर। वो चित्र है चरित्र को दिखाने वाला। दैट पिक्चर इज द वन दैट डिपिक्ट्स द फीचर्स। कैसी दुनिया बनाई उन्होंने अपनी। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड डिड दे क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। एक वाइब्रेशन वाली दुनिया बनाई अव्यभिचारी वाइब्रेशन की दुनिया। दे क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ वन वाइब्रेशन अ वर्ल्ड ऑफ अनअडल्ट्रेटेड वाइब्रेशंस। उसमें भी लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी शिव बाबा ऊपर है। इन दैट ऑल्सो इन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण ऑल्सो शिव बाबा इज अबव। लक्ष्मी नारायण नीचे है। लक्ष्मी नारायण आर बिलो। क्यों? वाई? लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के हैं। लक्ष्मी नारायण बिलोंग टू द हाउस होल्ड पाथ। स्त्री पुरुष का संयोग दिखाया गया है वाइब्रेशन का। द यूनियन ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ अ मैन एंड अ वुमन हैज बीन शोन। तो प्रवृत्ति मार्ग नीचा होना चाहिए क्या? सो शुड द हाउस होल्ड पाथ बी लोअर। शिव बाबा ऊपर दिखाया गया है। शिव बाबा हैज बीन शोन अबव। शिव बाबा एक है या प्रवृत्ति में है? इज शिव बाबा सिंगल और इज ही इन द हाउस होल्ड पाथ। गॉड इज वन कहा जाता है। इट इज सेड गॉड इज वन। हिंदी में कहते हैं भगवान। इन हिंदी इट इज सेड भगवान। भगवान एक होता है। देयर इज वन भगवान मीनिंग गॉड। तो उसे भगवान भगवती कहना चाहिए या सिर्फ भगवान कहना चाहिए? सो शुड ही बी कॉल्ड भगवान भगवती मीनिंग गॉड गॉडेस और शुड ही बी कॉल्ड जस्ट भगवान? कलयुग के अंत में मनुष्य मात्र झूठा हो जाता है। एट द एंड ऑफ द आयरन एज द एंटायर ह्यूमैनिटी बिकम्स फॉल्स। एक बाप आता है। द वन फादर कम्स। वो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। ही इज कॉल्ड गॉड इज ट्रुथ। एक सद्गुरु निराकार। वन सद्गुरु द इनकॉर्पोरियल वन। सद्गुरु का मतलब ये एक सच्चा गुरु। द मीनिंग ऑफ सद्गुरु इटसेल्फ इज द वन ट्रू गुरु। बाकी सब झूठा रास्ता बताने वाले। ऑल द अदर्स आर द वंस हु शो द फॉल्स पाथ। तो गॉड फादर ऊपर में बैठा हुआ है। सो गॉड द फादर इज सिटिंग अबव। उसमें भी दिखाते हैं त्रिमूर्ति। इवन इन दैट द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण द त्रिमूर्ति इज शोन। ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। द पर्सनैलिटी ऑफ ब्रह्मा द पर्सनैलिटी ऑफ विष्णु एंड द पर्सनैलिटी ऑफ शंकर आर शोन। परंतु तीनों मूर्तियों में भी बट इवन अमंग द थ्री पर्सनैलिटीज टाइटल दिया जाता है देव देव महादेव। द टाइटल ऑफ देव देव महादेव इज गिवन टू ओनली वन देव देव महादेव मीनिंग डीटी ऑफ द डीटीज द ग्रेटेस्ट डीटी।
गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है. गॉड इज वन, सो गॉड्स चाइल्ड इज ऑल्सो सेड टू बी वन बीइंग ओनली. वो दो में प्रत्यक्ष नहीं होता. ही इजंट रिवील्ड थ्रू टू बीइंग्स. वो निराकार शिव ज्योति बिंदु, दैट इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट शिव, मनुष्य जाति की ऊंचे ऊंचे एक मनुष्य में प्रवेश होता है. एंटर्स वन ह्यूमन बीइंग हु इज द हाईएस्ट ऑन हाई इन द ह्यूमन रेस. उसका नाम शास्त्रों में लिखा गया है प्रजापता, प्रजापति. ही हैज बीन नेम्ड प्रजापति इन द स्क्रिप्चर्स. ये अंत का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ द एंड. बाबा ने आदि का नाम दिया प्रजापिता. इन द बिगनिंग बाबा गेव द नेम प्रजापिता. पिता से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है. द क्रिएशन इज क्रिएटेड थ्रू अ पिता, मीनिंग फादर अलोन. तो शिव बाबा ऊपर में है. सो शिव बाबा इज अबव. और भगवान भगवती का टाइटल लेने वाले प्रवृत्ति मार्ग के लक्ष्मी नारायण फिर भी नीचे. एंड लक्ष्मी नारायण बिलोंगिंग टू द हाउस होल्ड पाथ हु रिसीव द टाइटल ऑफ भगवान भगवती आर बिलो. इसलिए सन्यासियों ने जो अपन को शिवो हम का टाइटल देते हैं. दैट इज वाई द सन्यासीज हु गिव द टाइटल ऑफ शिवो हम, मीनिंग आई एम शिव टू देमसेल्व्स. वो गृहस्थियों को गिरिहस्ती मानते हैं और अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल देते हैं. कंसीडर द हाउस होल्डर्स टू बी डिग्रेडेड पर्सनालिटीज एंड गिव देमसेल्व्स द टाइटल ऑफ श्री श्री 108 जगत गुरु. क्यों? वाई? लक्ष्मी नारायण नीचे क्यों? वाई आर लक्ष्मी नारायण बिलो और शिव बाबा गॉड फादर ऊपर क्यों? एंड वाई इज शिव बाबा गॉड द फादर अबव. कोई कारण? इज देयर एनी रीजन? लक्ष्मी नारायण जो है उन्होंने पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? दोज हु आर लक्ष्मी नारायण डिड दे स्टडी द नॉलेज और नॉट? पढ़ी. दे डिड. किससे पढ़ाई पढ़ी? फ्रॉम होम डिड दे स्टडी? शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ी. दे स्टडीड फ्रॉम शिव बाबा. दो से पढ़ाई पढ़ी या एक से पढ़ाई पढ़ी? डिड दे स्टडी फ्रॉम टू टीचर्स और डिड दे स्टडी फ्रॉम वन? एक से पढ़ाई पढ़ी. दे स्टडीड फ्रॉम वन. और जिस एक से पढ़ाई पढ़ी एंड द वन फ्रॉम होम दे स्टडीड वो एक ही सच्चा. दैट वन इज द ट्रू वन. इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है. दैट इज वाई द स्टोरी ऑफ ट्रू नारायण, मीनिंग सत्यनारायण इज संग. सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है. द स्टोरी ऑफ सत्य लक्ष्मी, मीनिंग ट्रू लक्ष्मी इजंट इवन संग. वो है सबका बाप. ही इज एवरीबडीज फादर. लक्ष्मी का भी बाप और नारायण का भी बाप. ही इज द फादर ऑफ लक्ष्मी एज वेल एज नारायण. उनकी सारी प्रजा का बाप. ही इज द फादर ऑफ ऑल देयर सब्जेक्ट्स. और पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि में जो भी प्रजा हुई है सब का बाप है. एंड द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स who have existed generation after generation in the world. बाप से वर्षा मिलता है. The inheritance is received from the father. बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं. The father alone establishes heaven. शिव बाबा बेहद का बाप है. शिव बाबा is the unlimited father. सिर्फ लक्ष्मी नारायण का बाप नहीं है. He isn't just the father of Lakshmi Narayan. हाँ, लक्ष्मी नारायण ने ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थ किया. Yes, लक्ष्मी नारायण मेड द हाईएस्ट पुरुषार्थ. तो स्वर्ग के मालिक बने. एंड सो बिकेम द मास्टर्स ऑफ हेवन. विश्व के मालिक बने. दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. बाप ने उनके लिए स्वर्ग की राजधानी स्थापना की. The father established the capital of heaven for them.
विश्व के राज्य की स्थापना की। He established the kingdom of the world for them. स्वर्ग में भी राज्य इन लक्ष्मी नारायण का है। Even in heaven, it is the rule of these Lakshmi Narayan. क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही स्वस्थिति में पहले स्थित होती है। Because it is Lakshmi Narayan who become constant in the soul conscious stage first. क्या शिव बाप से भी पहले स्थित होते हैं? Do they become constant in swasthiti even before the father Shiv? है? शिव बाप शरीर में आता है। The father Shiv comes in a body. उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। He doesn't need to make purusharth. और लक्ष्मी नारायण को तो बल शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। But Lakshmi Narayan have to make purusharth, although the father Shiv enters. उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। They have to climb up the ladder. इन लक्ष्मी नारायण का राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। The rule of these Lakshmi Narayan existed 5000 years ago as well. तो वो राज्य फिर कहाँ गया? Then where did that kingdom go? बाप समझाते हैं। The father explains that कि ये लक्ष्मी नारायण ही विष्णु बनते हैं। It is precisely these Lakshmi Narayan who become Vishnu. फिर 84 का चक्कर खाए फिर ब्रह्मा बनते हैं। Then they pass through the cycle of 84 births and then become Brahma. जो विश्व महाराज लक्ष्मी नारायण है वो चक्कर खाकर पहले क्या बनते हैं? पूरा चक्कर लगाने के बाद 5000 वर्ष का क्या बनते हैं? The world sovereigns Lakshmi Narayan pass through the cycle and become what first? After passing through the complete cycle of 5000 years, what do they become? है? ब्रह्मा बनते हैं। They become Brahma. उस ब्रह्मा का पूरा नाम क्या है? What is the complete name of that Brahma? अरे प्रजापिता ब्रह्मा। अरे प्रजापिता ब्रह्मा। दिखाते भी है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। They also show that Brahma emerged from the navel of Vishnu. अरे अरे ये कहाँ दिखाते हैं? शास्त्रों में दिखाते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। Where do they show this? Do they show this in the scriptures? Do they show this in the pictures? हैं? शास्त्रों में दिखाते हैं। They show this in the scriptures. तो शास्त्रों में जो बातें दिखाई गई हैं, वो कहाँ की यादगार हैं? So what has been shown in the scriptures are memorials of which time? संगम युग की यादगार हैं। They are the memorials of the confluence age. तो संगम युग में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला? So how did Brahma emerge from the navel of Vishnu in the confluence age? है? हाँ हाँ, वो विष्णु कौन? विष्णु को एक को तो नहीं कहा जाता? Someone said from the womb like intellect. Yes yes, who is that Vishnu? Not just one person is called Vishnu. विष्णु तो कहा जाता है दो के संस्कारों के मेल को। The combination of the संस्कारों of two people is precisely called Vishnu. उनके संस्कारों का मेल जितना होता है कलयुग के अंत में भी, अंतिम जन्म में भी, उतना और कोई जोड़े का संस्कार का मेल नहीं होता। No other couple's संस्कारों match as much as their संस्कारों match even at the end of the iron age, even in the last birth. तो कौन सा जोड़ा है? Which is that couple? जो पहले पहले दिखाया गया। The one that has been shown first of all. विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। Brahma emerged from the navel of Vishnu. यज्ञ के आदि में कहें तो कौन? If it is said to be in the beginning of the yajna, then who was it? है? हाँ?
यज्ञ के आदि में जरूर कहेंगे। इट विल सर्टेनली बी सेड दैट इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ कि जो थे विष्णु रूप में वही अंत में लक्ष्मी नारायण बने। पहले दोज हु वर इन द फॉर्म ऑफ विष्णु बिकेम लक्ष्मी एंड नारायण फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एंड। पहला ब्रह्मा होगा तो पहला नारायण बनेगा। इफ ही इज द फर्स्ट ब्रह्मा ही विल बिकम द फर्स्ट नारायण। तो दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सो इट इज शोन दैट ब्रह्मा इमर्ज्ड फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु। जिनके लिए मुरली में आया हुआ है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। फॉर होम इट हैज बीन मेंशन्ड इन द मुरली दैट देयर वर सच चिल्ड्रन हु यूज्ड टू गिव डायरेक्शंस इवन टू मम्मा एंड बाबा। दे यूज्ड टू एनेबल देम टू परफॉर्म द ड्रिल ऑफ मेडिटेशन। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचे नंबर माला में जाने वाले हैं। We used to think that they were going to achieve a very high number in the rosary. पढ़ाने वाले तो थे। They were the ones who taught. उस पीरियड में भी उन्होंने ऊंचे स्टेज की शूटिंग तो की। Even in that period, they performed the shooting of a high stage. तो वो युगल जोड़ा क्या आपस में लड़ भिड़ करके अलग हुआ होगा? So did that couple separate by fighting with each other? है? उसके लिए तो अंतिम जन्म का भी गायन है शास्त्रों में। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। For that couple, it is praised even about their last birth in the scriptures that Brahma emerged from the navel of Vishnu. तो अंतिम जन्म का भी गायन है तो जो आदि में सो अंत में होता है। So it is praised even about their last birth. Whatever happens in the beginning, happens in the end. फिर ब्रह्मा कौन सा निकला? Then which Brahma emerged? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में Has the time for Brahma to emerge from Vishnu's navel? एक सेकंड का टाइम बताया या लंबा टाइम बताया? Been mentioned as 1 second or longer? लंबा टाइम बताया। A long period has been mentioned. तो ब्रह्मा कब प्रत्यक्ष हुआ? So when was Brahma revealed? यज्ञ के आदि में तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कब हुआ? He wasn't revealed in the beginning of the yajna. When was he revealed? पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। Earlier, Baba didn't used to narrate the murli. कराची से मुरली निकलती चली आई है। The murlis have begun to be narrated from the times of Karachi. जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। बाबा हैज सेड इन द मुरली व्हिचएवर बॉडी आई एंटर विल हैव टू बी नेम्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष कब हुआ? सो व्हेन वाज ब्रह्मा रिवील्ड इन प्रैक्टिस? 47 में प्रत्यक्ष हुआ। कोई न कोई की बुद्धि में आने लगा। ही वाज रिवील्ड इन 47। इट स्टार्टेड इमर्जिंग इन द इंटेलेक्ट ऑफ समवन। ये ब्रह्मा का पार्ट है। That this is the part of Brahma. Vedvani इनके मुख से निकल रही है। The Vedvani is emerging from his mouth. The Vedvani meaning verses of the Veda. Here Baba is referring to the Murlis. तो 10 वर्ष तो कम से कम लगे विष्णु से ब्रह्मा बनने में। So it took at least 10 years to transform from Vishnu to Brahma. फिर कहेंगे ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। Then it will be said, Vishnu emerged from the navel of Brahma. 47 में ब्रह्मा निकला। Brahma emerged in 47. फिर उसकी नाभि से विष्णु कब निकला? Then when did Vishnu emerge from his navel? Shooting period में। In the shooting period. कब कहेंगे? When will it be said to be? अरे मुरली में तो घोषणा की गई है। अरे इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द मुरली। है 76 की घोषणा की गई है। द डिक्लेरेशन हैज बीन मेड फॉर 76। 10 वर्ष में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होगा। द किंगडम ऑफ दिस लक्ष्मी नारायण विल बी एस्टेब्लिश्ड विद इन 10 इयर्स। और उसके बाद
सारी दुनिया में विनाश ज्वाला फैल जाएगी। एंड आफ्टर दैट द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन विल स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। जो गायन है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो सारी दुनिया को चपेट में ले बैठी। इट इज प्रेस्ड दैट द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज इग्नाइटेड फ्रॉम द रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड, सो इट एंगल्फ्ड द एंटायर वर्ल्ड। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड मीनिंग सैक्रिफिशियल पिट ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्रा मीनिंग अ नेम ऑफ शंकर। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो देव ब्रह्मा। सो ब्रह्मा बिकम्स विष्णु, विष्णु बिकम्स ब्रह्मा। देवता बना फिर 84 जन्म लेते हैं। He became a deity, then he has 84 births. बात समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो। The father explains that you don't know your 84 births. मैं ही आकर के बताता हूँ। I myself come and tell you. तुम माने कौन? You refers to whom? है? जो भी बाप से सन्मुख बैठकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बोला। It has been said for all the children who study sitting face to face with the father. अच्छा, बाप कहते हैं मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ। All right, the father says, whichever body I enter, उसमें इमर्ज करके बोलता हूँ। I bring forth the children in the mind through it and speak to them. तो जब इमर्ज करके बोलता हूँ, So when I bring them forth and speak to them, तो जिसको इमर्ज किया होगा सुनाने के लिए, समझाने के लिए, Then the one who has been immersed to speak to explain, उसको तुम कहेगा या नहीं कहेगा? Will he address him as you or not? कहेगा? He will. तो जिसको इमर्ज किया, So the one who was immersed, जरूर उसकी बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए पहले पहले। This topic should certainly sit in his intellect first of all. क्या? What? कि नर से नारायण कैसे बनते हैं? How someone is transformed from a man to Narayan? और कौन बनते हैं? And who becomes this? पहले पहले उसकी बुद्धि में बैठना चाहिए। First of all, it should sit in his intellect. सन 47 से मुरली निकलती चली आई है। The Murlis have been emerging since the year 47. और 69 18 जनवरी तक मुरली निकलती रही। And the Murlis kept emerging till 18th January 69. मुरली को सुना तो गया, लेकिन उसके रहस्य को क्या पूरा समझा गया? The Murli was in fact heard, but was its secret completely understood? क्यों नहीं समझा गया? Why wasn't it understood? जब बाप स्वयं बच्चे को इमर्ज करके उससे बात कर रहे हैं, When the father is himself emerging the child and talking to him, तो बाप भी समझाने वाला है और बच्चा भी समझने वाला है। Then the father is also the one who explains and the child is also the one who understands. तो वो वाइब्रेशन उस बच्चे तक नहीं पहुंचेगा क्या? In that case, will that vibration not reach that child? पहले पहले नहीं पहुंचेगा? Will it not reach him first of all? है? पहले पहले उस बच्चे तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है। That vibration reaches that child first of all. मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक अल्फाज का रहस्य उस बच्चे की बुद्धि में बैठता है। The secret of every sentence, every word of the Murlis sits in the intellect of that child. तो जब रहस्य बुद्धि में बैठेगा, So when the secret sits in his intellect, तो कहने वाला कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। Then the speaker says, you don't know about your births. मैं तुमको बतलाता हूँ। I tell you. कितना सहज है। और बाप ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं। It is so simple and the father speaks only through Brahma. क्या? What?
बाप पहले पहले किसके द्वारा कहते हैं? थ्रू हुम डज द फादर स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल? ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं कि मुझे पारलौकिक बाप को याद करो। He says through Brahma himself, remember me the paralaukik father, meaning father from the world beyond. ना लौकिक को याद करो और ना अलौकिक को याद करो। Neither remember the laukik father nor remember the alaukik father. मैं ही पतित पावन हूँ। I alone am the purifier of the sinful ones. कहने वाली दो आत्माएं हैं या एक आत्मा है? Are two souls saying this or is it one soul? है? दो आत्माएं कहने वाली है मैं ही पतित पावन हूँ। Someone said two. Are there two souls which say I alone am the purifier of the sinful ones? मैं एक के लिए कहा जाता है दो के लिए? Is I said for one or for two? दो नहीं हो सकती, एक ही आत्मा है। आत्मा भी एक है और दो आत्माएं होते हुए भी पर्सनालिटी एक है। It cannot be two souls. There is only one soul. There is one soul and even if there are two souls, there is one personality. मैं ही पतित पावन हूँ। I alone am the purifier of the sinful ones. जो पतित पावन कहता है। The purifier of the sinful ones says. कि मैं तुम्हारी आत्मा रूपी बिठैया को और शरीर रूपी नवैया को दोनों का खिवैया एक हूँ। I am the only boatman of your passenger like soul and the boat like body. तो पर्सनालिटी के रूप में खिवैया है या सिर्फ आत्मा के रूप में खिवैया है? So is he the boatman in the form of a personality or is he the boatman in the form of just a soul? नवैया को खोया जाता है और नवैया में बैठने वाली आत्मा उसको पार लगाया जाता है। The boat is sailed and the soul which sits in the boat is taken across. काहे के पार जाना है? Across what do we have to go? ये विषय सागर के पार जाना है। We have to go across this ocean of vices. क्षीर सागर में जाना है। We have to go to the ocean of milk. तो जो कहने वाला है मैं ही पतित पावन हूँ। So the one who says I myself am the purifier of the sinful ones. वो पतित आत्माओं को पावन बनाता है। Does he reform the sinful souls? यह शरीर को पतित से पावन बनाता है। Or does he reform the body from sinful to pure? जो आत्मा है वो आत्मा को पतित से पावन बनाता है। A soul purifies the souls. डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा। A doctor will make someone into a doctor. आत्मा का उद्धार आत्माओं का बाप करता है। The uplift of the soul is carried out by the father of the souls. और शरीर का उद्धार शरीर का बाप करता है। And the father of the bodies uplifts the body. उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है क्योंकि वो मनुष्य शरीर का बाप है। The responsibility is laid on him because he is the father of the human body. मनुष्यों का पिता है। He is the father of human beings. लेकिन कहते हैं पारलौकिक बाप को याद करो। But he says remember the paralokik father. ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ये पारलौकिक बाप कहा जाएगा या लौकिक बाप कहा जाएगा? This father of the human world, will he be called the paralokik father or the laukik father? वो पारलौकिक बाप है। Is he the paralokik father? या लौकिक बाप है अभी क्या है? Or the laukik father, what is he now? लौकिक माने इस लोक का। लौकिक means of this world. और पारलौकिक माने इस लोक का नहीं है। And paralokik means not of this world. इस लोक से जो परे का परे लोक है। The world which is beyond this world.
जहाँ और किसी की पहुँच नहीं हो सकती, वेयर नोबडी एल्स कैन रीच, ऐसी परे की स्टेज में रहने वाला है। He lives in a stage which is so beyond. हैं तो बेहद के दो बाप। There are two unlimited fathers. एक आत्माओं का बाप। One is the father of the souls. और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। And the other is the father of the human world. मनुष्य सृष्टि का बाप ऑलराउंड पार्टधारी होने के नाते, बींग एन ऑलराउंड एक्टर, डज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड जास्ती से जास्ती टाइम इस लोक में रहता है या पारलोक में रहता है, रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर द मैक्सिमम टाइम और डज ही लिव इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, इस लोक में रहता है, ही लिव्स इन दिस वर्ल्ड, भले बेहद का बाप है तो भी लौकिक है या पारलौकिक है, ऑल्दो ही इज द अनलिमिटेड फादर, इज ही लौकिक और पारलौकिक, लौकिक है, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप पारलौकिक है, ही इज लौकिक एंड द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स इज पारलौकिक, लेकिन याद किसको करना है, बट हुम शुड वी रिमेम्बर, पारलौकिक बाप को याद करो, इफ यू रिमेम्बर द पारलौकिक फादर तो तुम्हारी कट योग बल से भस्म हो जाएगी, द रस्ट इन यू विल बर्न टू एशेस थ्रू द पावर ऑफ योग, क्या व्हाट, ये जो तुम योग लगाओगे स्वयं को आत्मा समझ करके बिंदु समझ करके, दिस योग विच यू विल प्रैक्टिस कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी अ सोल अ पॉइंट सुप्रीम सोल बाप के साथ अपने को अटैच करोगे, When you will attach yourself with the Supreme Soul Father, तो उस योग बल से तुम्हारी कट उतर जाएगी। The rust in you will be removed through that power of योग। कट आत्मा की याद की है या देह की याद की है? Is the rust the result of the remembrance of the soul, or is it the result of the remembrance of the body? आत्मा की याद से कट चढ़ती है? Someone said, the remembrance of the soul. Is the rust formed through the remembrance of the soul? देह की याद की कट है। The rust is the result of the remembrance of the body. वो चाहे प्रजापिता की देह हो। Whether it is the body of Prajapita. चाहे कोई ब्रह्मा की देह हो। Whether it is the body of any Brahma. चाहे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी की देह हो। Whether it is the body of any Brahma कुमार कुमारी. अगर सिर्फ देह याद की और उसमें ज्योति बिंदु शिव को ही नहीं याद किया, इफ वी रिमेम्बर जस्ट द बॉडी एंड इफ वी डोंट रिमेम्बर द पॉइंट ऑफ लाइट शिव इन दैट, तो कट चढ़ेगी या उतरेगी, विल द रस्ट बी फॉर्म्ड और विल इट बी रिमूव्ड, चढ़ेगी, इट विल फॉर्म, इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करो, दिस इज वाई इट हैज बीन सेड Remember the incorporeal one within the corporeal one. याद भी तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की है. Even your remembrance is of the household path. क्या? What? जो याद है वो भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है. The remembrance is also of the household path. ये याद की यात्रा है. This is the journey of remembrance. अपन को आत्मा समझो. और माम एकम याद करो, कंसीडर योर सेल्फ टू बी अ सोल एंड रिमेम्बर मी अलोन, मुझे एक को याद करो, रिमेम्बर मी अलोन, कोई और दूसरे को याद न करो, डोंट रिमेम्बर एनीवन एल्स, अगर बिंदु की ही बात होती माम एकम, If the object of mamekam, meaning remembering me alone, was about just a point, तो कैसे पता चलेगा कि हमने दूजम बिंदु को याद किया, तीजम को याद किया, चौथम को याद किया, दस पच्चीस को याद किया? How can we know whether we remembered the second point, or the third point, or the fourth point, or the 10 to 25 points? बिंदु के कहने के आधार पर नहीं हो सकता। It cannot be explained just by saying he is a point.
सिर्फ बिंदु समझने से एकम माम एकम दूजम नहीं हो सकता, कब हो सकता है? वन मी अलोन सेकेंड वन कैन नॉट बी सेड जस्ट बाय कंसिडरिंग हिम टू बी अ पॉइंट. वेन कैन इट बी पॉसिबल? जब साकार में प्रवेश करे. वेन ही एंटर्स द कॉर्पोरियल वन मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तब कहा जाए माम एकम याद करो. वेन ही एंटर्स द परमानेंट चैरियट देन इट विल बी सेड रिमेम्बर मी अलोन. ऐसा करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे. इफ यू डू दिस योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड. कौन से कर्म? विच एक्शंस? वी माने विपरीत कर्म. वी मीन्स विपरीत कर्म मीनिंग रॉन्ग एक्शंस. ऐसे कर्म जो तुमने आत्मिक स्थिति में रहकर नहीं किए हैं. सच एक्शंस दैट यू हैवंट परफॉर्म्ड इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज. स्व स्थिति में रहकर नहीं किए. द एक्शन दैट यू डिडंट परफॉर्म इन अ स्व स्थिति मीनिंग स्टेज ऑफ द सेल्फ सोल. कौन से युग में नहीं किए? इन विच एज हैव यू नॉट परफॉर्म्ड एक्शन इन स्व स्थिति. द्वापर से लेकर कलयुग तक और संगम युग में भी. फ्रॉम द कॉपर एज टू द आयरन एज एंड इवन इन द कॉन्फ्लुएंस एज. ढेर सारे कर्म होते रहते हैं जो कैसे नहीं किए. अ लॉट ऑफ एक्शंस आर परफॉर्म्ड दैट हैवंट बीन परफॉर्म्ड इन विच वे. स्व स्थिति में स्थित होकर नहीं किए. दे हैवंट बीन परफॉर्म्ड व्हाइल बीइंग इन द स्व स्थिति. इसलिए वो विकर्म बन गए. दिस इज व्हाई दे बिकेम विकर्म मीनिंग रॉन्ग एक्शंस. विपरीत कर्म बन गए. दे बिकेम एक्शंस अगेंस्ट श्रीमत. और कौन से युग में स्व स्थिति में रहकर कर्म करते हैं? एंड इन विच एज आर द एक्शंस परफॉर्म्ड इन स्व स्थिति. सतयुग त्रेता में स्व स्थिति में रहकर कर्म करते हैं इसलिए वहाँ कोई विकर्म नहीं बनता. और इसके अलावा इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन स्व स्थिति. दिस इज व्हाई नो रॉन्ग एक्शंस आर कमिटेड देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा युग है जिसमें स्व स्थिति में रहकर भी कर्म कर सकते हैं? इन विच अदर एज कैन वी परफॉर्म एक्शंस इवन व्हाइल बीइंग इन द स्व स्थिति? पुरुषोत्तम संगम युग है. द पुरुषोत्तम संगम युग मीनिंग द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज. यहाँ विकर्म भी होते हैं और यहाँ अकर्म भी कर सकते हैं, सुकर्म भी कर सकते हैं. हियर वी परफॉर्म रॉन्ग एक्शंस. वी कैन परफॉर्म अकर्म मीनिंग एक्शंस विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल एज सुकर्म मीनिंग नोबल एक्शंस. तो बोला तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे फिर तुम ही यह बन जाएंगे. सो इट वॉज सेड दैट योर रॉन्ग एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड देन यू योर सेल्फ विल बिकम दिस. क्या बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे. वॉट विल यू बिकम? यू विल बिकम दीज लक्ष्मी एंड नारायण. अभी तुम ब्राह्मण हो. नाउ यू आर ब्राह्मण्स. माने क्या नहीं हो? इट मीन्स व्हाट आर यू नॉट? देवता नहीं हो. यू आरंट डीटीज. देवता माने संपूर्ण और ब्राह्मण माने? डीटी मीन्स कंप्लीट एंड ब्राह्मण मीन्स संपूर्ण. ब्राह्मण माने देवता. कंप्लीट ब्राह्मण्स मीन्स डीटीज. और सिर्फ ब्राह्मण कहा जाए? एंड इफ इट इज सेड जस्ट ब्राह्मण्स तो अपूर्ण है. देन दे आर इनकम्प्लीट. अभी अभी ऊंची स्टेज और अभी अभी नीची स्टेज. जस्ट नाउ दे आर इन अ हाई स्टेज एंड जस्ट नाउ दे आर इन अ लो स्टेज. तुम ब्राह्मण हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद. यू ब्राह्मण्स आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा. सिर्फ ब्रह्मा की औलाद नहीं हो. यू आरंट द चिल्ड्रन ऑफ जस्ट ब्रह्मा. किसकी औलाद हो? हूज चिल्ड्रन आर यू? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद. द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा. जैसे कहते हैं हम अम्मा बाप की औलाद हैं. जस्ट एज पीपल से वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मदर एंड द फादर. माँ बाप की औलाद हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स. ऐसे कहना अच्छा नहीं माना जाता कि माँ की औलाद है हम सिर्फ. टू से
वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ओनली द मदर इजंट कंसीडर्ड गुड. नहीं, माँ बाप दोनों की औलाद है. नो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ बोथ मदर एंड द फादर. बाप ने समझाया है कि बाप ही आकर आत्माओं को ज्ञान देते. द फादर हैज एक्सप्लेन दैट द फादर हिमसेल्फ कम्स एंड गिव्स नॉलेज टू द सोल्स. ज्ञान कब मिलता है? When is the knowledge received? अम्मा के रूप में आते हैं तो ज्ञान नहीं देते हैं. He doesn't give knowledge when he comes in the form of a mother. किसी को ज्ञान मिला है? Did anyone receive knowledge? अरे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहेगा कि हमको ज्ञान मिल गया, मैं आत्मा कौन? अरे विल एनी ब्रह्मा कुमार कुमारी से वी हैव ऑब्टेन द नॉलेज अबाउट हु एम आई द सोल. अथवा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझे आत्मा का कौन सा विशेष पार्ट है? और व्हाट माय सोल स्पेशल पार्ट ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड इज. आत्मा में अलग अलग संस्कार होते हैं ना? देर आर डिफरेंट संस्कार इन द सोल, aren't there? तो एक का पार्ट न मिले दूसरे से. सो द पार्ट ऑफ वन डजंट मैच विद द पार्ट ऑफ अनदर. तो कोई कह सकता है कि मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्ट धारी हूँ? सो कैन एनीवन से विच स्पेशल एक्टर दे द सोल आर. अगर नहीं कह सकता है तो इसका मतलब आत्मा का भी ज्ञान नहीं मिला. इफ दे कांट से इट, इट मीन्स दैट दे हैवंट रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द सोल ईदर. और आत्मा का ज्ञान नहीं मिला. एंड व्हेन दे हैवंट रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द सोल, तो निश्चयात्मक बुद्धि से जरूर पारलौकिक बाप का भी ज्ञान नहीं मिला. देन सर्टनली दे हैवंट रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द पारलौकिक फादर विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट ईदर. निश्चयात्मक बुद्धि से अगर बाप को पहचान लिया. इफ समवन रिकॉग्नाइजेस द फादर विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट. जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बाप की मिल्कियत का वारसदार बन जाता है. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही बिकम्स द हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी एज सून एज ही इज बॉर्न. आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है. अ सोल लिव्स इन द मिडिल ऑफ द भ्रकुटी मीनिंग प्लेस बिटवीन द टू आईब्रोज. क्या? व्हाट? और दूसरा स्थान नहीं है? इज देयर नो अदर प्लेस? उत्तमांग में भी? इवन इन द उत्तमांग. उत्तमांग मीनिंग द हेड. दो आंखों के बीच में जो स्थान है नाक के ऊपर. द प्लेस बिटवीन द टू आईज अबव द नोज. ये तीन विशेष कार्य करता है. दीज आर द थ्री स्पेशल फंक्शनरीज. नाक कान आंख. द नोज ईयर्स एंड आईज. इन विशेष कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है. इट मीनिंग द सोल लिव्स इन द सेंटर ऑफ दीज स्पेशल फंक्शनरीज. जैसे कोई राजा होता है. जस्ट एज देयर इज अ किंग. तो अपने विशेष सेनापतियों और आमातियों के बीच में रहता है. सो ही लिव्स अमंग हिज स्पेशल कमांडर्स एंड मिनिस्टर्स. आत्मा ही अविनाशी है. ओनली द सोल इज इम्पेरिशेबल. और ये नाक आंख कान सब है सब विनाशी. एंड दिस नोज दीज आईज ईयर्स आर ऑल पेरिशेबल. आत्मा अविनाशी है. अ सोल इज इम्पेरिशेबल. परंतु अभी तो वापस जाना है. बट नाउ इट हैज टू रिटर्न. कहाँ वापस जाना है? वेयर इज इट सपोज्ड टू रिटर्न? आत्माओं के लोक में वापस जाना है. इट हैज टू रिटर्न टू द सोल वर्ल्ड. इसलिए बाप कहते हैं. दिस इज व्हाई द फादर सेज कि अपन को आत्मा समझो. कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ सोल. और बाप को ही याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ. एंड व्हाइल रिमेम्बरिंग ओनली द फादर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम तमो प्रधान टू सतो प्रधान. और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. देयर इज नो अदर वे. जैसे जैसे उतरे हो. जस्ट एज यू हैव डिसेंडेड. वैसे ही चढ़ते भी हो. सिमिलरली यू असेंड. कैसे उतरे हो? हाउ डिड यू डिसेंड? है
ऊपर से जब नीचे उतरे When you descended from above, तो ढेर की ढेर आत्माओं के संग के रंग में आते गए You were continuously colored by the company of numerous souls. देहधारियों के संग के रंग में आते गए नीचे उतरते गए You were colored by the company of bodily beings. You continued experiencing downfall. देह की कट चढ़ती गई The rust of body consciousness was continuously added. देहधारियों की स्मृति की कट चढ़ती गई The rust of the remembrance of the bodily beings was continuously added. ऐसे तो नीचे उतरे In this way you descended. अब ऊपर चढ़ने के लिए Now what should be done to ascend? उल्टा करना पड़े क्या करना पड़े You have to do just the opposite. What should you do? जिन जिन देहधारियों का जन्म जन्मांतर संग किया है All those bodily beings whose company you have kept for many births वो अभी शूटिंग पीरियड में हिसाब किताब लेने आवेंगे They will now come to clear their karmic accounts in the shooting period. स्मृति में हिसाब किताब लेने तो आते हैं ना They come in the thoughts to clear their karmic accounts, don't they? हैं? आते हैं They do come. अब क्या पुरुषार्थ करना है Now what is the purushart that you have to make? हैं? उन देहधारियों को देखते हुए नहीं देखना Don't see those bodily beings even while seeing them. उनकी बातों को सुनते हुए नहीं सुनना Don't listen to their words while hearing them. इसलिए मुरली में बोला That is why it has been said in the Murlis. लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है We should neither ask anything from the Laukik relatives nor should we follow their directions. अगर उनकी मत पर चल पड़ेंगे तो क्या होगा If you start following their directions, what will happen? है? फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा You will start experiencing downfall once again. उनसे पूछते हैं इसका मतलब बाप को भूले हुए You ask them, it means that you have forgotten the father. तो जैसे जैसे नीचे उतरे हो So just as you have descended, देहधारियों से बुद्धि योग चिपकता रहा है Just as the connection of your intellect has continued to be attached to the bodily beings, ऐसे ही उसी तरीके से अब ऊपर चढ़ना है Now you should ascend in the same way. क्या करना है What should you do? देहधारियों से बुद्धि योग तोड़ना है और एक बाप से जोड़ना है You must break the connection of the intellect with the bodily beings and you must connect it to the one father. माना सतयुग आदि से ही It means that from the beginning of the golden age itself ये जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है This connection and disconnection begins. द्वापर युग में तेजी से देह भान बढ़ता है In the copper age, body consciousness increases rapidly. और देह का लगाव शुरू हो जाता है And the attachment for the body starts. एक बाप से टूटता जाता संबंध The connection with the one father breaks. और अनेकों से संबंध जुड़ता जाता है And the relationship with many starts to be established. ये जोड़ तोड़ करने वाला कौन Who creates this connection and disconnection? द्वापर युग से बाप ने कहा कि ये जोड़ तोड़ करो Did the father tell you to create this connection and disconnection from the copper age? है? नहीं किया नहीं कहा Neither did he do it, nor did he tell you to do it. जैसा जैसा संगम युग में शूटिंग की है As is the shooting performed in the confluence age, वैसा ही वैसा ड्रामा शूट होता है So is the drama that is shot. न पारलौकिक बाप ने कराया न किया Neither did the paralaukic father make you do this, nor did he do it. न लौकिक बेहद के बाप ने कराया न किया Neither did the unlimited laukic father make you do this, nor did he do it. हर एक आत्मा स्वतंत्र रही Every soul was independent.
किस बात में? इन विच एस्पेक्ट? है चाहे जिससे जितने भी संबंध देह के जोड़े वी मे एस्टेब्लिश एज मेनी बॉडीली रिलेशनशिप्स विद एनी पर्सन दैट वी विश और बाप से कितना ही तोड़ना चाहे तो तोड़े एंड वी मे ब्रेक द कनेक्शन विद द फादर टू वॉट एवर एक्सटेंट वी विश कोई आत्मा ऐसी रही भाग्यशाली कि अनेक जन्मों में भी एक से नहीं तोड़ा सम सोल्स वर सो लकी दैट दे डिडंट इवन ब्रेक द कनेक्शन विद द वन ड्यूरिंग मेनी बर्थ्स भला आखिरी जन्म में माया उनको भी धराशायी कर देती है ऑल्दो इन द लास्ट बर्थ माया मेक्स देम ऑल्सो फॉल तो ज्यादा मेहनत किसको महसूस होगी पुरुषार्थ करने में सो हु विल एक्सपीरियंस मोर लेबर इन मेकिंग पुरुषार्थ और ज्यादा सहज किनको लगेगा एंड हु विल फाइंड इट इजी नहीं समझ में आया डिड यू नॉट अंडरस्टैंड हैं अरे कुछ आत्माएं ऐसी हैं द्वापर युग से तेजी से उतरती तो हैं सभी उतरती है अरे सम सोल्स आर सच दैट दे डू एक्सपीरियंस डाउनफॉल एट अ फास्ट पेस फ्रॉम द कॉपर एज इन फैक्ट एवरीवन डिसेंड्स लेकिन उन्होंने बाप को नहीं छोड़ा बट दे डिडंट लीव द फादर बाप से दोस्ती का हाथ मिलाए कर रखा जन्म जन्मांतर दे मेंटेन द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप विद द फादर फॉर मेनी बर्थ्स औरों से भी जोड़ा तो दे डिड एस्टैब्लिश कनेक्शंस विद अदर्स टू लेकिन एक से तोड़ा नहीं बट दे डिडंट ब्रेक द कनेक्शन विद द वन बल आखिरी जन्म में नीचे गिर गए ऑल्दो दे एक्सपीरियंस्ड डाउनफॉल इन द लास्ट बर्थ औरों ने क्या किया एंड व्हाट डिड द अदर्स डू एक से तोड़ते गए दे केप्ट ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द वन औरों से जोड़ते गए एंड दे केप्ट एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस विद अदर्स तो फायदे में कौन रहे सो हु वाज बेनिफिटेड सहज पुरुषार्थ किन का होगा और कठिन पुरुषार्थ किन का होगा हुज पुरुषार्थ विल बी इजी एंड हुज विल बी डिफिकल्ट मोहब्बत के आधार पर पुरुषार्थ सहज किन का होगा ऑन द बेसिस ऑफ लव हुज पुरुषार्थ विल बी इजी और मोहब्बत न होने के कारण मेहनत का पुरुषार्थ किसका होगा एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव हुज पुरुषार्थ विल इन्वॉल्व हार्ड वर्क अरे 63 जन्मों में भी जिन्होंने एक के साथ बहुत वक्त का हाथ जोड़ करके रखा है जन्म जन्मांतर उनको तो बहुत सहज होगा अरे फॉर दोज हु हैव जॉइंड द हैंड्स ऑफ लव फॉर मेनी बर्थ्स विद द वन इवन इन द 63 बर्थ्स इट विल बी वेरी इजी और जिन्होंने एक के साथ तोड़ते रहे औरों के साथ जोड़ते रहे उनको कठिन होगा एंड फॉर दोज हु केप्ट ब्रेकिंग द कनेक्शन विद द वन एंड केप्ट एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस विद मेनी इट विल बी डिफिकल्ट भले इस बात की भी शूटिंग ऑल्दो द शूटिंग फॉर दिस ऑल्सो द्वापर कलयुग में भी जो पार्ट बजाया द पार्ट दैट वॉज प्लेड इन द कॉपर एंड द आयरन एजेस उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है संगम युग में यहाँ शूटिंग हो रही है Where does the shooting of this also take place? The shooting is taking place here in the confluence age. और शूटिंग करने वाले बेखौफ होकर के शूटिंग कर भी रहे हैं. And those who perform the shooting are doing it fearlessly. क्या उनकी बुद्धि में ये बात है? Is this fact in their intellect? ये पॉइंट याद रहता है? Do they remember this point? हैं? नहीं याद रहता है. They don't remember it. इसलिए आसमान में भी जो सितारे हैं यादगार वो दिखाए जाते हैं दिस इज वाई ऑल द स्टार्स दैट एग्जिस्ट इन द स्काई आर शोन एज मेमोरियल्स कोई दो तीन सितारे लगातार साथ साथ रहते हैं देर आर टू थ्री स्टार्स विच लिव टूगेदर कंटिन्यूअसली बल ध्रुव तारे से कितना भी दूर चले गए लेकिन लेकिन साथ साथ रहते हैं However far from the pole star they may move, they live together. और कोई सितारे हैं ध्रुव तारे के नजदीक आसपास चक्कर काटते हैं And some stars are such that they keep revolving around the pole star in proximity.
तो बात बात के पार्टधारी ये नहीं कह सकते कि भाग्य विधाता भाग्य भाग्य को जो हमारे किस्मत में लिख दिया उसके जिम्मेवार हम नहीं है। सो द वेरियस एक्टर्स कांट से वी aren't responsible फॉर वॉट एवर हैज बीन रिटर्न इन our फेट बाय द फॉर्चून मेकर। भाग्य विधाता जिम्मेवार है। द फॉर्चून मेकर इज responsible फॉर इट। कौन जिम्मेवार हुआ? हु इज responsible? है ऊंचा भाग्य बनाने, सुख का भाग्य बनाने और दुख का भाग्य बनाने का जिम्मेवार कौन हुआ? Who is responsible for making a high fortune, the fortune of happiness and the fate of sorrow? है? हर आत्मा। Every soul. जैसे गीता में लिखा हुआ आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र स्वयं ही है। Just as it has been written in the Gita, a soul is its own enemy and a soul is its own friend. कोई दूसरा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता। No one else can be its friend and foe. Godfather, ऊंचते उच्च परमपिता परमात्मा शिव भी न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है। Even God the Father, the highest on high supreme father supreme soul Shiv is neither anybody's friend nor anybody's foe. आत्मा का योग लगने से तुम्हारी बैटरी भर जाएगी। Your battery will be charged when the soul is connected with the father. अभी तुम्हारा दीवा बुझ गया है क्योंकि बैटरी खाली हो गई है। Now your lamp has been extinguished because the battery has discharged. तो फिर दीवा जले कैसे? So then, how will the lamp be ignited? जैसे बैटरी खाली हो जाती है। For example, when the battery becomes discharged, या खाली होने वाली होती है, or when it is about to become discharged, तो बल्ब कभी जलता है, कभी नहीं जलता है। Then sometimes the bulb glows and sometimes it doesn't glow. तो ज्योति उजियानी हो गई है। So the flame has become dim. फिर ये दीवा जले कैसे? Then how will this lamp be lighted? गति चाहिए। It requires dynamism. क्या? What? जैसे करंट है ना, वायर में पास होता है। Just like the current, meaning electricity passes through the wire. तो करंट गतिवान होगा तभी तो पास होगा। So when the current is dynamic, only then it will pass through the wire. करंट में गतिशीलता नहीं होगी तो कैसे पास होगा? If there is no dynamism in the current, meaning electricity, how will it pass through the wire? तो यहाँ भी क्या चाहिए? So even here, what is required? आत्मा की गति चाहिए। The dynamism of the soul is required. गति ऊंची स्टेज। Is गति, meaning liberation, a high stage? या सदगति ऊंची स्टेज? Or is सदगति, meaning True liberation a high stage? है? अरे गति ही नहीं है तो सदगति कैसे होगी? अरे if there is no liberation at all, how can there be true liberation? पहले तो परम नाम वापस जाना पड़े। First we have to go back to the supreme abode. बाद में सदगति हो या न हो या नंबर वार हो। Later on, whether we achieve true liberation or not, or whether we achieve it at different level according to our capacity is a different topic. तो आत्मा गतिशील होनी चाहिए। So the soul should be dynamic. माना? पत्थर बुद्धि न बनी रहे। It means that it shouldn't remain a stone-like intellect. भैंस बुद्धि न बनी रहे। It shouldn't remain a buffalo-like intellect. आत्मा में मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। Thinking and churning should go on in the soul. गति चाहिए। Dynamism is required. दीवा जलाते हैं। When a lamp is ignited, तो दीवा को गतिशील करने के लिए
उसमें तेल डालते हैं ना। Then in order to enable the lamp to burn efficiently, oil is added to it, isn't it? घृत डालते हैं ना। घृत meaning घी is added, isn't it? तो यहाँ भी क्या डाला जाता है गतिशील करने के लिए। So even here, what is added to make the soul dynamic? ज्ञान का तेल डाल रहे हैं। The oil of knowledge is added. तो ये भी आत्मा पतित बनने से ठंडी हो गई है। So this soul has also become cold, meaning inactive because of becoming sinful. प्रजापिता भी है पतित। प्रजापिता is also sinful. क्या? What? बहुत से भगत होते हैं। There are many devotees. राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आँखों के अंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे है ये सब आँखों के अंधे। Meaning, the devotees of Ram and the people of Rahim, all these are blind. वो बस देहदारी को ही पकड़ लेते हैं। They just catch hold of the bodily beings. कृष्ण के भक्त होंगे तो ब्रह्मा को ही पकड़ लेंगे। If they are the devotees of Krishna, they will catch hold of Brahma alone. बस ब्रह्मा ही ब्रह्मा। They want Brahma and only Brahma. राधा के भक्त होंगे बस राधा को ही पकड़ लेंगे। If they are the devotees of Radha, they catch hold of just Radha. बाप कहते हैं। The father says. इन सब देहधारियों का बाप कौन है? Who is the father of all these bodily beings? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता। Who is the father of the entire mankind? प्रजापिता। वो भी पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? Will he also be called pure or impure? वो भी पतित है। He too is impure. इनको भी इन जैसा बनना है। These two have to become like them. किन जैसा? Like whom? लक्ष्मी नारायण की तरफ चित्र की तरफ इशारा किया। A hint was given towards the picture of Lakshmi Narayan. तत्त्वम। तत्त्वम। जो ये है वही तुम हो। Whatever they are, you are the same. पहले तो देवता। First, suddenly they become deities. फिर क्षत्रिय। Then क्षत्रिय, meaning of the warrior class. फिर वैश्य। Then वैश्य, meaning of the merchant class. और फिर नीचे ते नीचे उतर करके शूद्र बन जाते हैं। कौन? And then they degrade to the lowest level to become शूद्र, meaning of the lowest class. Who? ये लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है ना? The subject of Lakshmi Narayan is being discussed, isn't it? ये पहले ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। They were Brahmins first, and then from Brahmins to deities, then Kshatriya, then Vaishya, and then Shudra. तुम जब देवता बनते हो तो पूज्य भी हो। When you become deities, you are also worship worthy. क्या? What? द्वापर कलयुग में ही पूज्य होंगे। Will they be worship worthy only in the copper and iron ages? यहाँ पूज्य पने के संस्कार यहाँ भी आ जाएंगे। Or will the संस्कार्स of being worship worthy be assimilated here too? है? अभी अभी जितने पवित्र देवता बनते जाएंगे। As pure a deity someone becomes now, जितना जितना संपूर्ण ब्राह्मण बनते जाएंगे, अभी भी उनकी पूजा होती जाएगी। As complete a Brahmin they become, their worship would begin even now. पतित आकर उन पावन को माथा टेकेंगे। माथा टेकने का मतलब? The sinful ones will come and bow their heads before those pure ones. What does bowing the head mean? बुद्धि झुकावेंगे। They will bow the intellect. उनको ऊंच समझेंगे और अपन को नीच समझेंगे। They will consider them higher and they will consider themselves lower. सतयुग त्रेता में पूज्य। You become worship worthy in the golden and the silver ages. फिर द्वापर कलयुग में पुजारी बनते हो। And then become worshippers in the copper and iron ages. बाप कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ। The father says, I am indeed ever worship worthy.
तुम ही पूज्य बनते हो, तुम ही पुजारी बनते हो। यू योर सेल्फ बिकम वर्शिप वर्दी एंड यू योर सेल्फ बिकम अ वर्शिपर। अभी तुम पूज्य बन रहे हो। नाउ यू आर बिकमिंग वर्शिप वर्दी। इस समय तुम ही बाप से वर्षा ले रहे हो सतयुग का। नाउ यू अलोन आर ऑब्टेनिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द गोल्डन एज फ्रॉम द फादर। माया पर भी जीत पाने के लिए बल होना चाहिए। देयर शुड बी द पावर टू गेन विक्ट्री इवन ओवर माया। काहे का? पावर ऑफ व्हाट? माया पर जीत पाने के लिए कौन सा बल चाहिए? विच पावर इज रिक्वायर्ड टू गेन विक्ट्री ओवर माया? आत्मबल कहो, योग बल कहो, क्योंकि आत्मा में बल भी कहाँ से आता है? बाप की याद से आता है। कॉल इट स्पिरिचुअल पावर और द पावर ऑफ योग, बिकॉज वेयर डज इवन पावर कम इन द सोल? इट कम्स फ्रॉम द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। और फिर ज्ञान को भी बल कहा जाता है। एंड देन नॉलेज इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। जो सच्चा बाप आकर के, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु बनकर जो सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को जो जितना धारण करते हैं उतने बलवान बनते हैं। द ट्रू नॉलेज दैट द ट्रू फादर गिव्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रू टीचर द ट्रू सदगुरु व्हेन ही कम्स, द मोर वी असिमिलेट दैट नॉलेज द मोर पावरफुल वी बिकम। जो अच्छी रीति याद करेंगे तो वो ही सतो प्रधान बन जाएंगे। ओनली दोज हु रिमेम्बर प्रॉपरली विल बिकम सतो प्रधान। बलवान बन जाएंगे। They will become powerful. जो बहुत बलवान होते हैं उनको महावीर कहा जाता है। Those who are very powerful are called महावीर, meaning very brave souls. कौन से धर्म में महावीर की मान्यता है? Which religion accepts the महावीर? जैन धर्म में महावीर की मान्यता है। The Jain religion believes in the महावीर. अगर थोड़ा योग होगा? If there is less योग तो अंत में प्रजापद पावेंगे। दे विल अचीव द पोजिशन ऑफ प्रजा, मीनिंग सब्जेक्ट्स इन द एंड। क्योंकि प्रजा अंत में निकलेगी। बिकॉज विल द प्रजा एमर्ज इन द एंड। अपने पद को अंत में पहचानेगी या अभी पहचानेगी। विल दे रिकॉग्नाइज देयर पोजिशन इन द एंड और विल दे रिकॉग्नाइज इट नाउ। अंत में प्रजा निकलेगी, अपने पद को पहचानेगी। The praja will emerge in the end. They will recognize their position. फिर भी पावन तो बनना ही है। Nevertheless, we definitely have to become pure. चाहे प्रजापद में जाने वाले हो और चाहे राज्य पद में जाने वाले हो। Whether we achieve the status of praja or we achieve kingship. पावन तो यथा राजा तथा प्रजा सबको पावन बनना पड़े। As is the king, so are the subjects. All have to become pure. और दैवी गुण भी धारण करने हैं। And they should also assimilate the divine virtues. ये दैवी गुण धारण करने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन आकर खड़ा हो जाता है सामने? Who is the biggest enemy we have to face? While assimilating these divine virtues, रावण कोई एक रूप नहीं है, उसके भी पांच मुख्य रूप हैं। रावण isn't one form, he does have five main forms. दैवी गुण धारण करने में सबसे आड़े कौन सा विकार आता है? Which vice comes in the way of imbibing the divine virtues more than anything else? है? काम विकार। The vice of lust. ये काम महाशत्रु है। This lust is the biggest enemy. कहते भी है ना कि पतितों को आकर पावन बनाओ। It is also said, isn't it? Come and purify the sinful ones. तो इस्लामी ज्यादा पतित बनते हैं जो महाकामी की लिस्ट में है, व्यभिचारी की लिस्ट में है। So do the Islamic people who are included in the list of the most lustful ones, the adulterous ones, become more sinful? या बौद्धि ज्यादा पतित बनते हैं? Or do the Buddhists become more sinful? या क्रिश्चियन ज्यादा पतित बनते हैं? Or do the Christians become more sinful? द्वापर युग शुरू होता है, पहले पहले जास्ती पतित होना कौन शुरू करते हैं? When the Copper Age begins,
देन फर्स्ट ऑफ ऑल हु स्टार्ट्स बिकमिंग मोर सिनफुल? इस्लाम धर्म की आत्माएं, द सोल्स ऑफ इस्लाम। तो कहते भी हैं पतितों को पावन बनाओ। सो इट इज ऑल्सो सेड प्यूरिफाई द सिनफुल वंस। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। द रैथफुल वंस वोंट बी कॉल्ड सिनफुल। क्रोध करने से कोई पतित नहीं होते। समवन डजंट बिकम सिनफुल बाय बिकमिंग एंग्री। काम ही पतित बनते हैं। ओनली द लस्टफुल वंस बिकम सिनफुल। ये बात है कि काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। इट हैपेंस दैट व्हेन द डिजायर फॉर लस्ट इजंट फुलफिल्ड देन दे बिकम एंग्री। वो बात अलग, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। बट द एंग्री वंस आरंट कॉल्ड सिनफुल। इसलिए, दैट इज व्हाई नई दुनिया बनेगी। When the new world is established, तो विधर्मियों के बीच सबसे पहले जीते जी कौन मरेंगे? Then first of all, who will die while being alive among the Vidharmis? Vidharmis, meaning the souls who follow a religion opposite to the deity religion. जीते जी पहले वो ही मरेंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को पावन बनाया होगा। Only those people will die while being alive first who will have made their soul pure. अपनी आत्मा को पावन पहले वो ही बनावेंगे जो बाप के प्रति पहले पहले समर्पण बुद्धि हुए होंगे। Only they who have first of all surrendered their intellect to the father will make their soul pure first. तन भी तेरा, the body is also yours. ये मन भी तेरा, this mind is also yours. और जो भी धन है वो सब सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। And whatever wealth there is, all that is also yours. Nothing is mine. तो समर्पण होने में सबसे आगे कौन जाता है? So who moves ahead of everyone in surrendering? माया समर्पण होने में सबसे आगे जाती है। Maya goes ahead of everyone in surrendering. वो कौन से धर्म की मुखिया है? She is the head of which religion? है? जरूर इस्लाम धर्म की मुखिया होगी। Certainly she will be the head of Islam. मुखिया सबसे पहले आगे कदम बढ़ा दे। If the chief steps forward first of all. तन से मन से धन से समर्पित होने से पहले बुद्धि से ही समर्पण हो जाती है। Before surrendering through the body, through the mind, through wealth, she surrenders through the intellect itself. सबसे बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण। The biggest surrender is the surrendering of the intellect. ये मन बुद्धि का अहंकार जल्दी नहीं जाता है। The ego of the mind and intellect doesn't leave quickly. भल कोई देखने में आवे कि तन भी पूरा अर्पण कर देता है। Although it may appear that someone surrenders the body completely. जैसे चलाओ वैसे चलाएंगे। They will act in whatever way you want them to act. उल्टा लटका दो तो उल्टे लटक जावे। If they are hanged upside down, they will be ready for that. मार पीट कर दो तो भी परवाह नहीं। Even if you beat them, they won't worry. तन की कोई परवाह नहीं, जैसे चलाओ। They don't worry about the body at all. They will act in whatever way you want them to act. धन भी पूरा अर्पण कर देते हैं। They surrender even their wealth completely. लेकिन मन बुद्धि को अर्पण नहीं करते। But they don't surrender the mind and intellect. तो माया सबसे पहले मन बुद्धि से पूरा अर्पण हो जाती। So first of all, माया surrenders completely through the mind and intellect. जब मुखिया अर्पण हो जाता तो उसकी सारी प्रजा उसमें भी एक गुण आ जाता है कि वो पहले अर्पण होते हैं। When the chief surrenders, then all his subjects also imbibe the virtue to surrender first. तो ईश्वर के प्रति विनाश के टाइम पर समर्पण तो सबको होना पड़ेगा। So at the time of destruction, everyone will have to surrender to God. लेकिन जो पहले अर्पण में बुद्धि होते हैं। But will those whose intellect surrenders first? वो जन्म जन्मांतर ज्यादा सुख की प्राप्ति करेंगे।
अचीव मोर हैप्पीनेस फॉर मेनी बर्ड्स या दूसरे करेंगे? और विल अदर्स अचीव इट? है? इसलिए इस्लाम धर्म ने भारत वर्ष में नहीं सारी दुनिया में मुसलमानों ने जितना राज्य किया है। स्टूडेंट सेड समथिंग दैट इज व्हाई इन द केस ऑफ इस्लाम द एक्सटेंट टू विच द मुस्लिम्स हैव रूल्ड नॉट जस्ट ओवर इंडिया बट ऑल्सो ओवर द एंटायर वर्ल्ड उतना और कोई धर्म ने राज्य नहीं भोगा है। नो अदर रिलीजन हैज एंजॉयड किंगशिप टू दैट एक्सटेंट। क्रिश्चियंस का तो राज्य अभी 100 वर्षों के अंदर आया है, 200 वर्षों से। द किंगडम ऑफ द क्रिश्चियंस हैज स्टार्टेड विद इन द लास्ट 100 इयर्स 200 इयर्स। इसलिए मुरली में बोला पहले ये इस्लामी मरेंगे। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड इन द मुरली फर्स्ट दीज इस्लामिक पीपल विल डाई। क्या? व्हाट? पहले रूहानी मिलिट्री कौन सी तैयार होगी? विच स्पिरिचुअल मिलिट्री विल बिकम रेडी फर्स्ट ऑफ ऑल? इस्लामियों की तैयार होगी, फिर काम बहुत तेजी से चलेगा। ओम शांति। द मिलिट्री ऑफ द इस्लामिक पीपल विल बिकम रेडी देन द टास्क विल प्रोग्रेस एट अ फास्ट पेस। ओम शांति।